हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग और मैं हूं एनोनिमस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पर एसएमएस बॉम्बिंग को लेके और फ़ोन कॉल्स बॉम्बिंग को लेके, ठीक है। इनमें हमें करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसको हम अपने काली लिनक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, नॉर्मल्स यूज़र जो अभी इथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, बिगिनर्स हैं जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को डेली वॉच करते हैं, जिसमें अभी पहले वाईफाई की भी हमने क्रैकिंग की वीडियोस अपलोड की थी, तो अगर उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो एंड्रॉयड फ़ोन से भी टी बॉम्बिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम टी बॉम्बिंग के बारे में ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें काली लिनक्स में उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली बताएंगे कि आपको कि काली के अंदर आपने उसको कैसे इंस्टॉल करना, कैसे यूज़ में लेके आना है, ठीक है। जैसे हमारी काली की प्रोसेसर रहेगी सारी सेम टू सेम, वैसे ही हमारी एंड्रॉयड के साथ ही रहेगी, बट उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अलग से, अगर आपको वहाँ पर समझ नहीं आती, ठीक है। तो उसके बाद हम, अगर आपको वीडियो देख के आपको नहीं समझ लगता तो मैं अपना एक ब्लॉग्स इसके रिगार्डिंग बना दूंगा, और ब्लॉग्स का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके ब्लॉग से पढ़ के वहाँ से टी बॉम्बिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो हमारे चैनल पर बने रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे चैनल पर इथिकल हैकिंग आपको सिखाई जा रही थी, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके इथिकल हैकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, तो एक बार उसको भी चेक करें, ठीक है। और हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले टी बॉम की स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी गिटहब से। तो हम टी बॉम की स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं अपने गिटहब से। तो मैंने यहाँ पे पहले ही उसको ओपन किया गया, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये स्क्रिप्ट यहाँ से डाउनलोड करनी है, तो हम कोड पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसमें नीचे हमें बताया गया कि अगर जैसे हमें टर्मिनल में यूज़ करनी है, सॉरी टर्मैक्स में यूज़ करने, तो टर्मैक्स की सारी कमांड इसने हमें यहाँ पे बता रखी है कि पीकेजी इंस्टॉल गिट करना है, फिर पाइथन करना है, फिर इसको गिट क्लोन करना है, उसके बाद इसको रन करना है, ठीक है। तो उसके बाद इसने आईएसएच के बारे में बताया, और डेबियन बेस्ड जीएनयू लिनक्स जो कि हमारी काली लिनक्स हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए इसने कमांड्स बता रखे, मतलब सूडो एपीटी इंस्टॉल गिट और गिट क्लोन करना है हमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो ये वाली कमांड रहेगी इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में हमें यहाँ पे एज अ रूट लॉगिन करते हैं, तो हमने जैसे हम अपने काली के अंदर आ चुके हैं, काली के अंदर आने के बाद हमें जो हमारा टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा कि आपको टर्मिनल कैसे डाउनलोड करना है अपनी काली लिनक्स के अंदर। ये बहुत ही अच्छा टर्मिनल है, इसमें आप अच्छे से कमांड्स वगैरह सभी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद जो उसने सबसे पहली कमांड हमें बताई थी वो थी sudo apt git, sudo apt install git। तो हमें पहले git इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले से एज अ रूट लॉगिन है तो हमें sudo का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम एज अ रूट लॉगिन है, इसमें एज अ रूट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम करेंगे apt तो हम apt install git कर लिया, तो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर रखा था, ठीक है। तो गिट मेरे इसमें पहले से ही डाउनलोड ही रहा, जैसे आप देख सकते हो गिट इज़ ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब गिट मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो सेकंड कमांड हमारी क्या थी कि हमें उसको क्लोन करना था, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे जैसे हमने वहाँ से कॉपी किया था सेम वही कमांड हम यहाँ पे लगाएंगे गिट क्लोन, और जो हमने वहाँ से लिंक ओपन वहाँ से कॉपी किया था हम वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज उसे नीचे कमांड्स दे रखी तो हमने उसको ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। हम इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा रहा है
कि इसको मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट है, ठीक है, तो मैंने पहले से ही इसको डाउनलोड कर रखा है, ये आप में एरर नहीं आएगा क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो घुमराने वाली कोई बात नहीं, आप इस कमांड का यूज़ करना, आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ls कमांड का यूज़ करना है। ls कमांड का यूज़ करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा tbom के नाम से एक फ़ाइल आ जाएगी, तो हमें जाना है tbom की फ़ाइल के अंदर। तो हम यूज़ करेंगे cd का, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद हम देखते हैं, हमें ये वाली फाइल रन करानी है, ठीक है, tbom.sh वाली, तो जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें हम इसको रन कराने के लिए यूज़ करेंगे बैश कमांड का, ठीक है। तो हम इसको कराते हैं रन। रन कराने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमें SMS बॉम्बिंग करनी है, कॉल बॉम्बिंग करनी है और स्टार्ट मेल बॉम्बिंग, जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं SMS बॉम्बिंग, तो हमने 2 प्रेस किया और एंटर करते हैं, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें डालना है कंट्री कोड, ठीक है। तो हमें कंट्री कोड जैसे इंडिया में करना है किसी के नंबर पे, तो हम इंडिया में 91 कंट्री कोड है यहाँ का, तो उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें टारगेट का नंबर देना है, ठीक है। हम इंडिविजुअली किसी टारगेट का नंबर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वैसे ही एक रैंडमली कोई नंबर यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हम जैसे इसको एंटर करेंगे, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि हमें मैक्सिमम कितनी वहाँ पे सेंड करनी है, ठीक है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे हमें करना है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड डालने की, वो कितने सेकंड बाद उसके पास कॉल जाए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 5 सेकंड। उसके बाद थ्रेड्स डालने हमें, तो हम डाल देते हैं। उसके बाद हम करते हैं एंटर, तो ये अब यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली, हमारे पास शो हो रहा है किसने दो मैसेज उसको सेंड किए थे, जिसमें से एक सक्सेसफुल हुआ और एक फेल्ड हुआ। तो ऐसे जितने हमने वैल्यूज डाली हैं उतने सारे मैसेज उसके पास जाते रहेंगे। हम इसमें कॉल्स वगैरह भी उसको कर सकते हैं, ये जितनी भी कॉल्स और मैसेज आएंगी ये हमारे नंबर से नहीं जाएंगे, ये उसको सिर्फ अननोन नंबर से जाएंगे। तो आप इस टूल का यूज़ करके अपने दोस्त के साथ एक अच्छा मजाक कर सकते हो, तो ये सिर्फ मजाक के लिए है, उससे ऊपर इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके रिगार्डिंग मैं ब्लॉग्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप ब्लॉग्स पढ़ के इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।